केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। केदारनाथ घाटी में तापमान 7 डिग्री पहुंचा है तो भक्तों की भारी भीड़। बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइनें। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और घाटी में तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा है। और देखिए जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं, देखिए काफी ज्यादा भीड़ जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें यहां पर देखने को मिल रही हैं। और इधर देखिए 7 डिग्री तापमान में बाबा के दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। एक अलग ही उत्साह जो है, एक अलग ही खुशी जो है वो तमाम भक्तों के चेहरे पर नजर आ रही है। तो देखिए और यहां पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। तो भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारों में तमाम भक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए एक श्रद्धा जो है वो यहां पर इन तमाम श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव राठी जुड़ गए हैं सीधा लाइव। राजीव, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर, कैसी तस्वीरें आप नजर वहां पर नजर आ रही हैं? और देखिए ये भी जानकारी दीजिए कि भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर आपको बता दूं सबसे पहले साधना, अभी अभी कंगना रनौत जो है मंदिर की तरफ गई है। अभी अभी जस्ट जो है कंगना रनौत बॉलीवुड की बात करें तो हीरोइन जो है वो अभी अभी केदारनाथ पहुंची है दर्शन के लिए, अभी अभी अंदर गई है। जी साधना, लंबी लंबी लाइनें जो है केदारनाथ के अंदर लगी हुई है। टेम्परेचर की बात करें तो घाटियों पर जो है देर रात बर्फबारी हुई है तो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं बहुत कम है। हमारे साथ लोग हैं, आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसे फील हो रही है, कहाँ से आए आप, ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो यहाँ के है, जो पंडित कंट्री वो भी बहुत बढ़िया है। और जी यहाँ का जो मौसम है एकदम सुहाना है, ऐसा मौसम हम देखते। प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? प्रशासन की ऐसा है अच्छी, बट और अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साधना मैं आपको बता दूं प्रशासन की तरफ बिल्कुल जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो लग चुकी है, लेकिन हरियाणा न्यूज पर हम सभी बार बार बता रहे हैं कि कंगना रनौत जो है इस पर केदारनाथ मंदिर में है साधना। राजीव बात करें तो भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रही हैं। तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखिए तमाम भक्त जो है वो काफी दूर दूर से भी आए हैं। साउथ की बात करें, पूरे भारतवर्ष से लोग जो है केदारनाथ के अंदर पहुंच रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो लंबी लंबी कतारें जो है वो बनाई गई हैं ताकि किसी भी भक्त को परेशानी ना हो। पुलिस सिक्योरिटी जो है मुस्तैद की गई है। कंगना रनौत अभी आई तो जैसे कि उसको वाइट सिक्योरिटी मिली हुई, तो पूरे तरीके से पूरे मंदिर को जो एक साइड से जो है वो खाली करवा दिया गया है। तो प्रशासन की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं तंदुरुस्त है, उनकी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल सही है। जी राजीव, फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और जो नजारा आप देख पा रहे हैं, कब से ये दर्शन शुरू हुए हैं और क्या समय रखा गया है दर्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साधना मैं आपको बता दूं कि सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर तारे जो है लगनी शुरू हो जाती है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि रात को जब बर्फबारी होती है तो टेम्परेचर जो है 3 से 4 डिग्री चला जाता है, तो बच्चों में जो उत्साह इतना ज्यादा है कि 3 बजे से ही वो लाइनों में लग जाते हैं। और बाबा मंदिर के कपाट ये बात जो है यहाँ से निकलेगी, ये तस्वीरें भी हम हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखाएंगे।
करवाया जा रहा है, बहुत शुक्रिया राजीव ये भव्य तस्वीर दिखाने के लिए। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हमने आप तक साझा की। और देखिए मेरे सहयोगी जो हैं वो केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं और ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितना ज्यादा उत्साह जो है वो तमाम श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और देखिए 2 किलोमीटर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। एक श्रद्धा जो है वो यहाँ पर एक आस्था का जो सैलाब है वो भी यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तमाम भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।